हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ट्रेनिंग का टफ टाइम रहता है और ट्रेनिंग से बाहर निकल के कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं होती है। जो थोड़ा वक्त मिलता है तो रेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली दिल चाह रहा था कि बस रेस्ट ही करो और कुछ मत करो। तो वैसे भी कुछ कंटेंट तैयार कर नहीं पाता हूँ, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ और आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ। कभी मौका मिला तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा जो मैंने अधूरा छोड़ा है। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी मुझे लगती हैं कि वो ज़रूरी हैं, तो मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ। एक ऐसी ही चीज़ मेरे हाथ लगी है जिसके हासिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँ। हालांकि आज की डेट में उस चीज़ का मेरे पास होना और ना होना दोनों का मेयार सिर्फ इतना है कि ठीक है, मेरे हाथ में एक कुछ डॉक्यूमेंट आ गया है या कुछ हासिल आ गया, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्दर मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और मिलने वाला है नहीं। ना ही मुझे ये शौक़ है कि मैं पुलिस सर्विस से निकल कर एग्जीक्यूटिव की तरफ जाऊँ या किसी और सर्विस की तरफ जाऊँ, और इंशाल्लाह मैं इस सर्विस में भी जो चाह रहा हूँ वो खातिर का मुकाम पाऊँगा। लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुश्किलात मुझे झेलनी पड़ी हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरे पास गाइडेंस नहीं था और ट्यूशन्स पढ़ने के मौके नहीं थे मेरे पास। आप लोगों के पास अगर वो नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ट्यूशन ज़रूर पढ़िए, नहीं तो किसी से गाइडेंस तो ज़रूर ही लीजिए। फिर भी ट्यूशन जो रोल प्ले करता है वो किसी का गाइडेंस रोल प्ले नहीं करता है। अब आप कुछ भी करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं, जो अहम सवाल आता है वो ये है, जो मुझे कई लोगों ने मेरे इनबॉक्स में भेजा, ये सवाल किया है, या पर्सनल भी जिनसे मुलाकात है उन लोगों ने सवाल पूछा है कि WBCS के एग्ज़ाम में मार्क्स कितना स्कोर करना पड़ेगा। और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब मेरे पास जो था वो शायद बहुतों के लिए सेटिस्फैक्टरी ना हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, सिवाय इसके कि मैं एक जॉब हासिल कर चुका हूँ तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट है घूमने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो प्लस पॉइंट आज जो है एक कोजेंट डॉक्यूमेंट की सूरत में मेरे पास है और मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का एक रिप्लाई है। मैंने ये रिप्लाई एक क्वेश्चन किया था 6 अप्रैल 2023 में। मैंने अपने मार्क्स पूछे थे 2020 में WBCS के जो मेंस के पेपर्स थे उसमें मेरे मार्क्स क्या थे सारे पेपर्स में। शायद इसमें धुंधला आ रहा होगा, मैं फ़ोटो डाल दूंगा अभी, आप वहाँ से मार्क्स देख सकते हैं। तो इसमें मैंने दो चीज़ें चाही थी। नंबर वन एक था कि 2017 से लेकर 20 तक मैंने जितने भी मेंस एग्ज़ाम्स दिए हैं उन सब के पेपर्स मुझे चाहिए, कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल रिटन वाले जो एग्ज़ाम्स थे, दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 1 2 एंड पेपर जो ऑप्शनल के होते हैं पेपर 1 एंड 2, दो चार पेपर्स टोटल मैंने चाहे हैं। और मेरे पास वो सारे पेपर्स आ भी गए हैं, मैं आपको वो पेपर्स दिखा भी सकता हूँ। ये सारे सेट्स हैं मेरे पास, मैंने अब तक इसका रिव्यू नहीं किया है। ये 2019-18 सारे के हैं, तो ये मैंने ख़ासकर चूंकि मेरा ऑप्शनल उर्दू था तो मैंने उर्दू वालों के लिए ही लिया, क्योंकि उनमें अक्सर एक गलत फहमी है कि कितने पेजेस लिखेंगे या आंसर कैसे याद करें। तो आंसर याद करना तो अपनी जगह पे ज़रूरी है, लेकिन आंसर लिखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने एक ही आंसर को कई तरीके से लिखा है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। तो खैर मैं उसका रिव्यू कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह उन लोगों ने मार्क्स दिया है। क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था और मैंने अपने हिसाब से जो समझ में आया वो लिखने की कोशिश करी बेहतर लिखने की। कुछ भी फिजूल बातें मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर लूँ कि मैंने ज़्यादा लिखा है तो उसकी वजह से मार्क्स ज़्यादा मिला है या ज़्यादा लिखने की वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे 2017 वाले का एक मैंने देखा है पेपर, तो उसमें ज़्यादा लिखने की वजह से उसमें मार्क किया हुआ है कि एक्सेस। तो बहरहाल वो जब होगा तो मैं उसको शेयर करूँगा फिर से जब कर लूँगा तो। लेकिन ये ज़रूरी है कि मेरा मार्क्स आया कितना। तो इस पेपर के हिसाब से मैंने जो देखा है वो मेरा मार्क्स मैं स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, वहाँ दिख जाएगा कि पहले जो उर्दू पेपर था उसमें 122 है, इंग्लिश में 124 है,
और इस तरह करते करते मैंने जो टोटल मार्क्स स्कोर किया है, टोटल मार्क्स जो मैंने स्कोर किया है वो है 1032.67। ये आउट ऑफ 1600 में ये मेरा मार्क्स था, जो अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 64.5% होता है। जो मेरा फाइनल कट ऑफ था वो था 1144.67, तो उसके हिसाब से 112 नंबर मुझे पर्सनैलिटी टेस्ट में मिले हैं आउट ऑफ 200, 112 नंबर मिला है। और ये मेरा टोटल मार्क्स था जो WBCS के एग्ज़ाम में मैंने हासिल किया है। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि जब ये ओवरऑल मार्क्स को हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, तो 63.5% हो रहा है मेरा, और सिर्फ रिटर्न जो मेंस के पेपर्स मैंने दिया था उसका मार्क्स हो रहा है 64.5%। मैंने जब एग्ज़ाम देने की कोशिश करी थी तो मेरा स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इतना था कि 60 to 65% मैं करके जाऊँ। 60% तो खैर मैं अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे ये समझ में आ गया कि 60% में पास नहीं होने वाला है, लेकिन 65% आपको चाहिए। अब चूँकि अब तक कट ऑफ इसके ऊपर नहीं गया है, तो एक प्लस पॉइंट है कि 65%, और ज़्यादा से ज़्यादा 70%, मैं यही कहूँगा कि आप 70% को टारगेट लेके चले। अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जॉब आपके हाथ में होगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 65% अगर अचीव हो चुका है, नियर अबाउट 65%, 70% आपके लिए एक सेफेस्ट जोन है। तो उन लोगों के लिए आई होप कि ये जवाब मिल गया होगा कि कितना स्कोर करना चाहिए और किस पेपर में कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए, किस पेपर में स्कोर करना है वो तो खैर बड़ी बड़ी बात नहीं है। इसमें मुझे मैथ में जो मार्क्स मिला है, मुझे खुद डाउट है कि मैथ वाले पेपर में इतना कम मार्क्स कैसे मिला है, 122.67। बट मैंने इसको दोबारा रिव्यू में नहीं डाला है, इसलिए कि मुझे इसका हासिल कुछ नहीं है, जॉब मिल चुका है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और नहीं मिलता तो शायद इसका रिव्यू मैं करता ज़रूर, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा गया था। अब ये हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई होंगी, मैं इस ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं मेरा गलत हो ही नहीं सकता, बट इतना कम मार्क्स आने के चांसेस मुझे तो नहीं लगते जिस तरह से मैंने पेपर दिया था। तो अगर कहीं पे मार्क्स कम हो रहा है, दूसरे पेपर में आप मार्क्स बढ़ाइए। ओवरऑल मार्क्स पे आपको ध्यान देना है कि ओवरऑल मार्क्स आपको 65 to 70% रखना है, और ये अगर परसेंटेज आप मेंटेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। आजकल छुट्टी में हूँ, दुआ कीजिए कि मैं जल्दी रिकवर कर पाऊँ, कुछ मसला बनाया है, तो आपकी दुआओं का सहारा रहेगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी ट्रेनिंग को जल्दी रिज्यूम कर पाऊँगा, और इस बीच में जो मैं कुछ दिन घर में हूँ आपके साथ कनेक्ट भी हो पाऊँगा। तो कुछ भी आपके क्वेरी होते हैं आप प्लीज़ एज़ यूजुअल कमेंट में दीजिए। मैं रेगुलर तो अवेलेबल नहीं रहता हूँ, बट कोशिश करूँगा कि रिप्लाई ज़रूर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।